औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो तमाम कायनात का खालिक मालिक है। तो मेरा चैनल देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम। हाललो दी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो ज़रूर देखें, ये हर घर की ज़रूरत है कि जो हम खा पी रहे हैं या कुछ है, ताकि जो मैंने रिसर्च की, तहकीक की या ज़िंदगी गुजारी, तो उस बारे में आपको ज़रूर बताऊँ। जो किचन है, इसमें हमारा जो है सारी चीज़ पकती है। किचन का जो दिल है वो फ्रिज होता है या फ्रीज़र। जिनके पास नहीं है उनके पास वो डोली होती है, मगर अभी काफ़ी जो है तकरीबन 70-80% के पास फ्रिज होता है। तो फ्रिज का जो है टेम्परेचर अंदर से कितना रखना चाहिए कि चीज़ें ख़राब ना हों, वो 8 या 8 से कम सेंटीग्रेड होना चाहिए फ्रिज का। और जो फ्रीज़र है वो फ्रीज तो हो जाता है, मगर उसका भी -12, -8, -20 इतना को ना, ये -1 नहीं सही, तो आप ज़्यादा देर तक उसमें चीज़ जमा सकते हैं। तो जो आप चीज़ लाते हैं, दूध बंद या कोई चीज़ बंद होती है, फिर वो खुल जाती है, तो आप 4 दिन तक रख सकते हैं 8 या 5 सेंटीग्रेड में, जो फ्रिज के अंदर होता है। मगर आप 6-8 दिन नहीं रख सकते, वो बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। इन दवाओं खाओ तो खट्टी बदबू आती है या सालन या दूध ख़राब हो जाता है। तो इधर जर्मन जो टेक्निक है, इसके मुताबिक 4 दिन जो है ना, हर दूध के डब्बे पे लिखा होता है, किसी पे 3 दिन भी है, किसी पे 4 दिन है, वो ज़रूर पढ़ें। तो यही टेक्निक पूरी दुनिया में जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फिर जो फ्रीज़र है उसका तो ख़ास कोई मसला नहीं है, उसका ये कि काफ़ी लो टेम्परेचर रखें, -12, -10, के जो चीज़ हम ख़रीद के लाते हैं वो खुल जाती है, दूध का डब्बा या कोई भी किसी चीज़ का खाने का, वो हम फ्रिज में रख दिया, वो 4 दिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चीज़ 3 दिन, तो उसके बाद वो खाने के काबिल नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया पैदा होता है। तो उसको गर्म करके ज़रूर खाएँ, 4 दिन आखिरी हद है, बाकी आपकी मर्ज़ी। एक और चीज़ है इसी के साथ कि जो हम सब्ज़ियाँ, अंडे ये ख़रीद के लाते हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, जो तो पैकेट में बंद है कटी कटाई, वो बेहतरीन है। वरना सब्ज़ियाँ जितनी हैं वो खेतों से लाई जाती हैं, उधर जानवरों का पखाना, तो गरीब मुल्कों में इंसानों का पखाना, सारा उन सब्ज़ियों में उसका असर होता है, कोई गंदा पानी उनको देते हैं, तो उन सब्ज़ियों में सारे असरात होते हैं। तो आप जो है ये कर सकते हैं, उन सब्ज़ियों को काट के धो के फ्रिज में रख सकते हैं, तो ताकि इस तरह सब्ज़ियाँ ख़रीद के रख देंगे, बैक्टीरिया सारा अंदर ही होगा, वायरस होंगे, वो सारे खानों में जाएंगे, तो उससे फिर सारा घर बीमार होता है। फिर एक और है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, ये जो अंडे हम लाते हैं, 10-12 अंडे लाए, निकाल के फ्रिज के वो दरवाज़े में रख दिए, तो ये टोटली गलत है। जो अंडा है इसकी पैदाइश होती है परिंदे से, चाहे बतख का हो, मुर्गाबी का हो, कबूतर का हो, तो उसके साथ पखाना या इस तरह लगा था, कई दफ़ा देखने में नज़र आता है, तो उसको आप ज़रूर अंडों को धो के रखें, वरना अंडों की भी डेट होती है, 10 दिन निकाल जाते हैं। अगर इस तरह रखने, उनको बाहर रखें। अगर आपने फ्रिज में रखने हैं अंडे 10 दिन के लिए 12-15 दिन के लिए, तो उनको प्लीज़ धो के रखें, या फिर किसी शॉपिंग बैग में प्लास्टिक में ला के इस तरह रख दें, वो पैकेट निकालें फ्रिज से, एक अंडा लिया, पकाया, उबाला, बाकी अंडे अंदर रख दिए। ये मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि लोग नहीं देखते, तो ये बहुत अच्छी, दिल जो है ना इंसानी जिस्म में, ये पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, खून इसमें वापस आता है, जाता है। तो फ्रिज भी है ना, सारी हम मार्केट से चीज़ें ला के ज़्यादातर खाने वाली फ्रिज में रखते हैं, पका के फ्रिज में रखते हैं, फिर उधर से ही हम अपने जिस्म में जो है ना दाखिल करते हैं एज ए गज़ा खाने के तौर पर। तो ख़ास तौर पर ये अंडों का बहुत ध्यान रखें, अंडे इस तरह ना रखें, तो अंडे धो के रखें, अगर धोने नहीं तो पैकेट के ज़रिए अंदर रखें। अगर 2-3 दिन में अंडे खा जाने हैं, सर्दी है, तो बाहर भी ख़राब नहीं होते। अंडों को धोएं या अंडों को पैकेट के अंदर रखें, क्योंकि कई दफ़ा बर्ड फ्लू होता है, वायरस होता है इस तरह का, वबा, परिंदों में बीमारियाँ होती हैं, आपको पता नहीं, वो जो बंदे मरते हैं चेक होता है, फिर उसका पता चलता है। तो अंडों का बहुत ख्याल करें ताकि आप बीमार ना हों। तो इस तरह अगली वीडियो का भी इंतज़ार करें, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी करें, दुआओं में याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।